जयपुर से खबर है जहां खून इंसान का है या जानवर का, इसकी जांच फॉरेंसिक वैन करेगी मौके पर। अब तक पुलिस को जांच के लिए सैंपल एफएसएल को भेजने पड़ते हैं। एफएसएल के वैज्ञानिक वैन में मौजूद संसाधनों से घटनास्थल पर ही प्राथमिकी जांच कर सकेंगे। भारत सरकार की ओर से राजस्थान एफएसएल को 56 मोबाइल फॉरेंसिक वैन मिलेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश के हर जिले को मोबाइल वैन मिलेगी। मोबाइल फॉरेंसिक वैन यौन अपराधों की भी घटना स्थल पर ही प्राथमिक जांच कर सकेगी। वैज्ञानिकों पर घटना स्थल पर सबूत जुटाने में आसानी होगी। पुलिस को आरोपी को सजा दिलाने में आसानी होगी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को 4 और जोधपुर कमिश्नरेट को 2 मोबाइल वैन दी जाएगी। फॉरेंसिक वैन के लिए 36.40 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। वैन में GPS समेत फ्रिज, जनरेटर, कंप्यूटर, केमिकल समेत अन्य अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे। तो ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। एफएसएल के वैज्ञानिकों को ये वैन मिलेगी तो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जा सकेगा। पूरे मामले का खुलासा, क्योंकि बेहद अहम होता है एफएसएल जांच, और उसके लिए मोबाइल वैन मिलने वाली है, फॉरेंसिक वैन मिलने वाली है। आपको बता दें, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, फॉरेंसिक वैन मिलने वाली है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को भी और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को भी, बड़ी उपलब्धि भी है और जरूरत भी है, समय की मांग भी है ये वैन। फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी देखिए, एफएसएल जांच के लिए वैन में अलग अलग किट होंगे, तो इसके लिए केंद्र सरकार की मंशा है कि घटनास्थल से साक्ष्य सही हो और एक जैसी तकनीकी हो। इसके लिए देश भर की एफएसएल को केंद्र सरकार की तरफ से ये वैन दी जा रही है। इस वैन में क्राइम सीन कवरेज के लिए हर चीज मौजूद रहेगी। इससे मौके से बेहतर साक्ष्य उठाए जा सकेंगे ताकि आरोपी के दो न्याय सजा दिलाने में पुलिस की बड़ी भूमिका और एफएसएल की बड़ी भूमिका होगी। सभी सबूतों का प्राथमिक प्रशिक्षण मौके पर ही किया जा सकेगा। अब इससे जो प्राथमिक रिपोर्ट होगी उसके आधार पर अब जो मूल रिपोर्ट है उसका आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और कोर्ट में पुलिस चालान फिर कर सकेगी। वैन को अत्याधुनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। वैन किसी भी घटना स्थल पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा हर प्रकार के सबूतों को इकट्ठा करके अपराधी को सजा दिलाने में बेहतर साबित होगी। इस वैन में नारकोटिक्स किट, फिंगरप्रिंट डिटेक्टर किट, ब्लड डिटेक्टर किट और सीमन किट सहित अलग अलग संसाधन मौजूद रहेंगे ताकि पुलिस और एफएसएल मौके से ही महत्वपूर्ण साक्ष्य उठा सके। राजस्थान में करीब 56 फोरेंसिक लैब एफएसएल को दी जाएगी, जो हर जिले में ये है, एक एक वैन आवंटित की जाएगी। इस संबंध में केंद्र सरकार ने करीब 36 करोड़ रुपए के बजट स्वीकृत कर दिया और करीब एक वैन की कीमत 65 लाख रुपए होगी। जल्दी ही ये एफएसएल के बेड़े में शामिल हो जाएगी, जिलों में आवंटित कर दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी उपलब्धि है, जयपुर कमिश्नरेट और जोधपुर कमिश्नरेट को ये वैन मिलने वाली है, फॉरेंसिक वैन, 36.40 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए स्वीकृत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए।